माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुरातन संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक गौरव के लिए विश्व प्रसिद्ध कर्नाटक को विकास की नई आधुनिकता प्रदान करने के लिए माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना तैयार करने में जुटे हैं। इसके लिए 7,290 करोड़ रुपए की लागत से 18 परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जिन परियोजनाओं को राष्ट्र सेवा में लोकार्पित किया जा रहा है उनमें NH-63 के अंकोला गुटी खंड पर 200 करोड़ रुपए की लागत से 14 किलोमीटर लंबी सड़क का पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन से 4 लेन में चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है। वहीं 90 करोड़ रुपए की लागत से गड़ग जिले में NH-367 पर भानापुर गद्दनकेरी के बीच पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन वाली 12 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार है। वहीं इसी तरह NH-63 के अकोला गुटी खंड पर ही 26 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा छोटे पुल के समांतर ही एक नए छोटे पुल का निर्माण हुआ है। विकास के नेटवर्क को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के हाथों से 6,974 करोड़ रुपए की लागत से 15 परियोजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 376 किलोमीटर लंबाई की अलग अलग उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनाई जा रही हैं। इनमें 1,622 करोड़ की लागत से बेलगावी शहर में 34.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन रिंग रोड पैकेज 1 का निर्माण शामिल है। उसी तरह कई सड़कों का 2 से 4 लेन में चौड़ीकरण, कई नए बाईपास, नई नई सड़कों का निर्माण और 7 छोटे पुलों का पुनर्निर्माण भी शामिल है। इन परियोजनाओं के माध्यम से पूरे उत्तर कर्नाटक का कोई भी कोना अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि बेलगावी, गदग, कोप्पल, रायचूर, यदगिरी, बागलकोट जैसे जिले विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे वाले राजमार्गों से जुड़ने जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में न केवल आवागमन की सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि रोजगार सृजन के लिए भी नए अवसर उपलब्ध होंगे। अमृत काल में माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के इन प्रयासों से विकसित भारत बनाने का संकल्प शीघ्र ही सिद्धि में बदल सकता है।